के लिए मैं यहां पर खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण, जो पुस्तक हमारे अपने हाथ में है, उस पुस्तक के अंदर महाराष्ट्र के दो नंबर का जो उद्योग महाराष्ट्र में है, पावरलूम का, वस्त्र उद्योग का, जो मालेगांव शहर, भिवंडी, इचलकरंजी और महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों के अंदर जो पावरलूम है, उस पावरलूम को कोई भी योजना का उल्लेख इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अंदर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, पावरलूम सिटी जितने महाराष्ट्र के अंदर है और वो प्लेन पावरलूम के ऊपर जो कपड़ा तैयार करते हैं, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से सिर्फ उनको बिजली सब्सिडी ही मिलती है, पावर के अंदर ही उनको सब्सिडी मिलती है। और वो एक ऐसा उद्योग है कि उसमें कई लाख कामगार वर्ग उसके अंदर काम करता है, लेकिन राज्य सरकार ने, वस्त्र उद्योग डिपार्टमेंट ने सिर्फ एक पॉलिसी बनाई, एक योजना तैयार की, लेकिन वो योजना आज तक उस तैयार नहीं की गई, लागू नहीं की गई। और ये कारण है कि आज महाराष्ट्र का प्लेन पावरलूम जो है आज बहुत खसारे के अंदर है, आज बहुत मंदी के सावट के अंदर है। अध्यक्ष महोदय, प्लेन पावरलूम को सरकार की तरफ से एक योजना डिक्लेयर होना चाहिए और प्लेन पावरलूम के लिए कम से कम प्रत्येक पावरलूम के ऊपर 25,000 रुपया सरकार ने उनको बेनिफिट देना चाहिए प्रत्येक पावरलूम को, ताकि वो उद्योग और बढ़े और ज्यादा रोजगार इस महाराष्ट्र के अंदर निर्माण हो। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने तो कोई योजना नहीं दी, लेकिन मालेगांव शहर पावरलूम शहर है, जैसा भिवंडी के अंदर टोरंटो कंपनी आई, उसको 11 साल का एग्रीमेंट कर दिया गया, आज वहां के पावरलूम धारक परेशान है 11 साल से, और वो अब मनमाना कारोबार वहां पर टोरंटो कंपनी करती है, बिजली का रेट बढ़ाती है और उनको पेनल्टी लगा लगाकर परेशान करने का काम करती है। और इसी बेस के ऊपर मालेगांव शहर के अंदर भी प्राइवेट कंपनी को बिजली कंपनी को दे दिया गया है और उसका करारनामा हो गया, जो मेरी माहिती मेरे पास है, और उसके अंदर मुमरा के अंदर भी मुमरा को भी समाविष्ट किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मालेगांव शहर वासियों की ये डिमांड है कि हमको प्राइवेट कंपनी नहीं होना। मैं सरकार से विनंती करता हूं कि वो प्राइवेट कंपनी को वहां नहीं होना चाहिए, जो महावितरण का कामकाज चल रहा है उसको कामकाज आगे कंटिन्यू होना चाहिए।